9th इंग्लिश बी हाई चैप्टर 7 पैकिंग। आज इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 89 क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन 1 हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव नेम देम डोंट फॉरगेट द डॉग। आंसर देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग। दे आर द नरेटर जॉर्ज हैरिस एंड द 4th इज द डॉग नेम्ड मॉन्टमोंसी। क्वेश्चन 2 व्हाई डिड नरेटर जेरोम वॉलेंटियर टू डू द पैकिंग। आंसर द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मोर एवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बॉस द जॉब एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शंस। क्वेश्चन 3 हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। आंसर जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर्स सजेशन रीडली बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट। क्वेश्चन 4 व्हाट वॉज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पेक। आंसर जेरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब। ही वॉन्टेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली। क्वेश्चन 5 व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड। व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। आंसर हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग। ही डिड इट विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। क्वेश्चन 6 व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम अ लिटिल लेटर। आंसर जेरोम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश वाइल ट्रेवलिंग। ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग। क्वेश्चन नंबर 7 वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। आंसर जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। ही अनपैक्ड द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट। ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड अ बूट।
क्वेश्चन 8, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? आंसर, जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, सो ही हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पेक एंड व्हाई? आंसर, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर्ड टू पेक हैम्पर बिकॉज दे वांटेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट. दे डिसाइडेड टू पेक द रेस्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्व्स. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फूलिश एंड फनी थिंग्स. टेक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू. लेसन यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको हम बहुत आसानी से कर पाएंगे. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, इट्स ट्रू. दे आल्सो ब्रोक अ प्लेट, इट्स फॉल्स. दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो, इट्स ट्रू. दे टॉड ऑन द बटर, इट्स ट्रू. दे स्टैब्ड ऑन अ बनाना, इट्स फॉल्स. They put things behind them and couldn't find them. It's true. They stepped on things. It's false. They pegged the pictures at the bottom and put heavy things on top. It's false. They upset almost everything. It's true. They were very good at pegging. It's false. क्वेश्चन 11, व्हाट डज जेरोम से वाज मॉन्टमोर्सीज एम्बिशन इन लाइफ? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोर्सी एंड व्हाई? आंसर, मॉन्टमोर्सीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफेयर विद अदर्स एंड बी अब्यूज्ड. ही वांट्स टू बी अ परफेक्ट नॉइजेंस एंड मेक पीपल मैड. इफ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड, He feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. He came and sat on things just when they were going to be pegged. He put his leg into the jam and worried the teaspoons and pretended that lemons are rats and got into the hamper and killed three of them. It is the natural original sin that is born in him that make him do things like that. Discuss in groups and answer the following questions in two or three paragraphs. Question 1. Of the three, Zerom, George and Harris, who do you think is the best or roast baker? Support your answer with details from the text. Answer, of the three, Harris is the roast baker in this world. But none of them is the perfect baker. All of them are confused and do not know what is to be placed and where. So far as Jerome is concerned, he unpacked the bag to find his toothbrush in a boot. He also packs his spectacles in the bag. Harris and George start their work in a light-hearted spirit. There are piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, stoves, cakes, and tomatoes. They break a cup
Harris packs the strawberry jam on top of tomatoes and squash it. They have to pick out the tomato with a teaspoon. George treads on the butter. He gets it off from his slipper and put it in the kettle. He puts it down on a chair and Harris sits on it. It sticks to him and then they look for it all over the room. In this way, they created chaos in the room. Question 2. How did Montmorency contribute to the packing? Answer. Montmorency's contribution to the packing cannot be forgotten. His ambition in life was to disturb others and be abused by them. He came and sat on things just when they were going to be packed and he put his leg into the jam. He disturbed everything. He pretended the lemon to be reds and got into the hamper and killed three of them. Montmorency wanted to be a perfect nuisance and make people mad. If things are thrown at his head, he feels his day was not being wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour was his highest aim and object. When he got succeed in accomplishing it, his conceit became quite unbearable. Question 3. Do you find this story funny? What are the humorous element in it? Pick out at least 3. Think about what happens as well as how it is described. Answer. The story is really humorous and funny. Jerome's episode of packing, Harris and George's way of packing, and Montmorency's contribution have made the story funny and interesting. Jerome was confused about his toothbrush and found it in a boot. He also packed his spectacles in the bag. The incident of butter makes the reader laugh. George treads on the butter and it sticks off his slipper. Later he puts it on the chair. Harris sits on the chair and it sticks to his bottom. They squash the tomatoes by putting the strawberry jam on them. Montmorency's pretension for the lemons to be reds is also fascinating and funny. These incidents are described in an orderly and perfect way. Page number 91st. Question. Match the words, phrases in column A with their meaning in column B. Answer. Salving, working hard. Chaos, complete confusion and disorders. Rummage, search for something by moving things around hurriedly or carelessly. Scrape out, remove something from inside another thing using a sharp tool. Stumble over, tumble into. Fall or step awkwardly while walking. Accomplish, finish successfully, achieve. Uncanny, strange, mysterious, difficult to explain.
टू हैव और गेट इन टू अ रो, अ क्रूएल और एन आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन टू, यूज सुटेबल वर्ड्स और फ्रेसेस फ्रॉम कॉलम ए अबोव टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन ब्लो। अ ट्रैफिक जैम, ड्यूरिंग पावर कट्स व्हेन ट्रैफिक लाइट्स गो ऑफ देयर इज अटर ब्लैंक एट क्रॉस रोड्स, ड्राइवर्स एड टू द कन्फ्यूजन बाय ब्लैंक ओवर देयर राइट ऑफ वे एंड नियरली कम टू ब्लोज, समटाइम्स पासर्स बाय सीइंग अ फ्यू पुलिसमैन ब्लैंक एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक स्टेप इन टू हेल्प, दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग डैश समथिंग। सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा चाउस, सेकेंड गेटिंग इन टू अ रो, थर्ड स्लैविंग और फोर्थ में आएगा अकम्प्लिश्ड। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।